नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार यूनिक टॉपर्स में। मित्रों, आज हम लोग अपने ऑफलाइन क्लासेस में, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम अपने क्लास टेंथ के बच्चों के साथ हैं और आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं जो सीबीएसई का हमारा एग्जाम डेट आया है, जिसकी मैं आप लोगों को कल उसके बारे में बता चुका हूँ। कल हमने उसके वीडियो भी अपलोड किए हैं, तो आप लोग अपने एग्जाम डेट को देख लिए होंगे, उसको नोट भी कर लिए होंगे। और आज हम बात करते हैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चे से, उन प्यारे बच्चों से जो बच्चे इस बार पहली बार अपने जीवन में बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। और सीबीएसई ने थोड़ा इस बार हल्का सा, थोड़ा सा अगर हम बात करें कि थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी क्या इनकी तैयारी है, क्या चल रहा है, वो हम बात करते हैं अपने बच्चों से, एक बाय वन करके अपने बच्चों से बात करेंगे और देखेंगे क्या इनका विचार है, क्या इनका कहना है अपनी तैयारी को लेकर के। आइए शुरुआत करते हैं आगे से ही। हाँ, क्या नाम है आपका? आकृति श्रीवास्तव। आकृति श्रीवास्तव हैं ये इस बार क्लास टेंथ में, हालांकि जितने बच्चे बदमाश इधर बैठे हुए सब दसवीं के ही हैं। तो आकृति जी, क्या कहना है आपका एग्जाम बारे में, क्या आपने डेट को देख लिया? यस सर। ओके, नोट भी कर लिया होगा? तो क्या लगता है आपको कि क्या तैयारी चल रही है आपकी एग्जाम की? तैयारी तो ठीक है, कोचिंग में भी हम लोग के सिलेबस पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। कोचिंग की तरफ से सीरीज हम लोग को, क्वेश्चन की सीरीज और पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग को दिए जा रहे हैं। बाकी हम लोग के सब्जेक्ट्स के जितने भी हम मतलब सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, उसको बस हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आपको लोगों को बता दें एक बात हम, कि जो हम लोग अपने ऑफलाइन क्लासेस में एक बार सिलेबस को हम लोगों ने कवर करने की कोशिश करा है, हम लोगों का रिवीजन चल रहा है, दिसंबर से हम लोगों का रिवीजन चल रहा है। और सारे बच्चे इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हैं कि इन लोगों की रिवीजन क्लासेस चल रही है। हालांकि हमारे जो आप लोगों को ऑनलाइन में सर लोग देखते हैं, वो ऑफलाइन मोड में भी हैं आज हम लोगों के साथ, अभी हम लोग उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट की तरफ, देखते हैं क्या इनका विचार है, क्या इनका कहना है सीबीएसई के एग्जाम को लेकर के। आप सीबीएसई बोर्ड से हैं? चलिए कोई बात नहीं, अभी ये लोग यूपी बोर्ड वाले हैं, लोगों से हम लोग बाद में मिलते रहेंगे। आइए चलते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्तिका कुशवाहा है। हाँ वर्तिका कुशवाहा जी, आप भी सीबीएसई का एग्जाम देने जा रही हैं, पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रही हैं, तो क्या एक्साइटमेंट है, क्या विचारधारा है, क्या कहना आपका एग्जाम के बारे में? एक्साइटमेंट है, बट थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कि पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। और ये भी है कि एग्जाम डेट पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे पर एग्जाम बाद में है, तो ये भी है कि टाइम और मिल गया है तैयारी करने का। तो आपको क्या लगता है, आपको जो अपने सब्जेक्ट्स, आपके जो फाइव सब्जेक्ट्स देने हैं, किस सब्जेक्ट में तैयारी अच्छी है आपकी, किस में आपको लगता है मुझे थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों के अभी प्री बोर्ड्स भी हुए हैं, तो एक अपने खुद से लगता हो कि नहीं मुझे भी इस सब्जेक्ट में थोड़ा और काम करना है, ये हमारा बढ़िया सब्जेक्ट है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? बाकी सब्जेक्ट ठीक से हैं, हाँ, पर मैथ में ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि वो पूरा सब्जेक्ट ही है जो पूरा प्रैक्टिस मांगता है, तो उसी में ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। तो आपने देखा, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि ना, कि एग्जाम थोड़ा पहले है, लेकिन इनका कहना है कि एग्जाम थोड़ा बाद में, मतलब ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि और पहले हो, इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों की तैयारी और बेहतर चल रही है, ये लोग कुछ और अच्छा कर देंगे अपने एग्जाम में। और मजे की बात बताऊं, हो सकता हो आप लोगों को बाद में ये जानकारी मिले कि अपने सीबीएसई के इलाहाबाद लेवल पे या स्टेट लेवल पे टॉपर भी यहीं से निकले। आइए चलते हैं अपने अगले स्टूडेंट्स की तरफ। क्या नाम है आपका? प्रिंसी वर्मा। प्रिंसी वर्मा, ये भी सीबीएसई बोर्ड की एक धुरंधर स्टूडेंट है, बहुत अच्छे तरीके से लोगों की तैयारी चल रही है। आइए देखते हैं क्या कहना इनका एग्जाम डेट के बारे में और अपनी तैयारी के बारे में। एग्जाम डेट एक्सपेक्टेड ही थी, मींस अप्रॉक्स 15 to 27 सही था, और हम लोग की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही है। थोड़ा मैथ वीक है, उसमें प्रैक्टिस चाहिए हम लोगों को, बाकी सब ठीक है। साइंस में क्या, कौन सा आपको ऐसा लगता है सेक्शन जिसमें थोड़ी सी हम लोगों को और मेहनत करनी चाहिए, या तो कोचिंग लेवल पे या पर्सनल लेवल पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से? केमिस्ट्री। अभिषेक सर आपको थोड़ा ध्यान देना, अभी आप लोग अभिषेक सर से मिलाएंगे और बताएंगे ये कि बच्चे क्यों इनके बारे में ऐसा कह रहे हैं। तब तक उसके पहले हम लोग चलते हैं अपने अगले स्टूडेंट की तरफ और देखते हैं इनका क्या विचार है। क्या नाम आपका है? स्मृति पाल। स्मृति पाल है, ये भी इलाहाबाद में सीबीएसई की स्टूडेंट हैं और इनका भी अपना एक ओवरव्यू है सीबीएसई के एग्जाम को लेकर के, सीबीएसई डेट शीट को लेकर के और अपनी तैयारी को लेकर के। बताइए स्मृति जी, क्या तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी तो ठीक चल रही है, सिलेबस भी लगभग कंप्लीट ही हो चुके हैं, बस रिवीजन के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो क्या आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे करा दिया गया है? हाँ, यहाँ से सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से क्लासेस रिवीजन की चल रही है। तो रिवीजन की क्लासेस आपको क्या लग रहा है कि जो रिवीजन क्लासेस हो, रिवीजन तरह की हो रही है या फिर ऐसे चल रहा है कि जैसे पहले चला तो ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है? रिवीजन क्लासेस बहुत अच्छी चल रही है। तो क्या आपका जो एग्जाम डेट आई है उससे आप कितना सेटिस्फाई है?
ठीक है, उससे सेटिस्फाई थोड़ा 15 फेब के लिए थे, बट अप्रोक्स उसी के है एक्सपेक्टेड. उतने कहने के लिए 15 फेब है, लेकिन पहला पेपर हमारा कब स्टार्ट हो रहा है? 27 को. तो वो फेब के एंड में समझो उसको, वो मतलब मार्च का ही है. तो अगर आपसे कोई पूछे कितना संतुष्ट है आप, अगर आपसे हम कहें कि रेटिंग देनी है 5 स्टार्स, तो कितना रेटिंग देनी चाहेंगे सीबीएसई को एग्जाम जो डेट उन्होंने रिलीज करा है? 5 out of 5. चलिए बहुत अच्छी बात है, चलते हैं अपने अगले स्टूडेंट की तरफ. और क्या इनका विचार है एग्जाम डेट के बारे में, आपको समझिए ना. ठीक है, क्या इनका विचार है एग्जाम डेट के बारे में और क्या तैयारी कर रहे हैं ये लोग, इनसे जानते हैं. बताइए क्या नाम है आपका? इशिका चंद्रा. हाँ इशिका चंद्रा, ये भी प्रयागराज से हैं, इलाहाबाद से हैं. और आप लोगों को पता होगा प्रयागराज की बड़ी पावन भूमि है, यहाँ पे बच्चे बड़े मेहनती होते हैं, बड़े धुरंधर होते हैं. और ये भी आप लोग जानते हो कि एक समय यहाँ पे आईएएस की फैक्ट्री नाम से भी प्रयागराज को जानते थे. तो यहाँ के हर बच्चे के अंदर एक अपने आप में एक अलग ही टैलेंट है, और हर बच्चे जो है कोशिश करते हैं कुछ बढ़िया करने के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए. तो बताइए आपका क्या विचार है आपके एग्जाम डेट के, जो सीबीएसई ने एग्जाम डेट, आपने एग्जाम डेट देख लिया, कैसा तैयारी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही है, सिलेबस भी लगभग कंप्लीट ही है. टाइम से हो रहा है कि टाइम से पहले हो रहा है? सर टाइम से हो रहा है. टाइम से हो रहा है, ठीक है. क्या एक्सपेक्ट किया आपने परसेंटेज लाने का बोर्ड में अपने? सर किया है 90. चलिए 90 बहुत अच्छी बात है, हालांकि ये लोग सीक्रेट रखना चाहते हैं, कुछ बच्चे बताना भी नहीं चाहते क्या एस्पेक्ट है. और उसके बाद चलते हैं अगले स्टूडेंट सर, क्या नाम है आपका? अमरीशा. अमृषा जी, अमृषा जी भी प्रयागराज से हैं, ऑफलाइन हैं और यूनिक क्लासेस में, यूनिक ग्रुप में बड़ा एक अगर कहें अटेंडेंस के लेवल पे तो बड़ा इनका रेगुलरिटी रही है, बड़ी ईमानदारी से इन्होंने पढ़ाई करने की सोचा है. बाकी फाइनल रिजल्ट तो एग्जाम के बाद ही आएगा, लेकिन मेहनत में इन लोगों ने कोई नहीं कमी छोड़ा है. और साथ में हम लोगों ने भी मेहनत की, जो अपने परिवार के लोग हैं हम लोगों ने भी कोशिश किया कि बच्चों के साथ अच्छे से करें, वन बाई वन करके बढ़िया से कनेक्ट होने की कोशिश करें. तो अमृषा जी बताइए आपका एग्जाम डेट जो सीबीएसई ने रिलीज करा है, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि एग्जाम डेट टाइम से है या पहले है या बाद में है, या इसको थोड़ा और आगे पीछे होना चाहिए था? नहीं, डेट तो ठीक है, उम्मीद भी थी कि 27th फेब में आ जाएगी, तो फिर डेट ठीक है. आपकी तैयारी कैसे चल रही है, जो आपने अपना व्यक्तिगत जो आप तैयारी चल रही है, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है? हाँ सिलेबस तो सारा यहाँ पर हो चुका है, बस रिवीजन हो रहा है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी डेली हो रहा है. आप कौन से मोड में पढ़ना ज्यादा पसंद करती हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा पसंद आती हैं यहाँ की कि ऑफलाइन क्लासेस? नहीं ऑफलाइन अच्छी होती है क्योंकि उसमें फेस टू फेस होता है, जो भी तुरंत प्रॉब्लम तुरंत हम लोग पूछ सकते हैं. ऑनलाइन भी ठीक ही है, कमेंट्स वगैरह लाइव चैट्स पे. बिल्कुल सही बात है, ऑफलाइन मैं हम लोग भले ही ऑनलाइन पढ़ाते हैं, लेकिन ये अगर मैं अपने दिल की बात करूँ या हम लोग अपने दिल की बात करें, तो हम लोग कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं जब कंपैरिजन की बात आती है तो एटलीस्ट 12th लेवल तक बच्चों को ऑफलाइन कनेक्ट होने में टीचर से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और ज़्यादा वो अपने फ्यूचर को वो सिक्योर कर पाते हैं. तो आइए चलते हैं अगले स्टूडेंट की तरफ. और अगले स्टूडेंट्स हमारे हैं चलिए तो आइए आप बैठ 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 आइए आपको मिलाते बैठ जाइए बैठो बैठ 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 जाओ आइए आपको मिलाते हैं अपने अगले स्टूडेंट से, एक होनहार छात्र जिससे उम्मीद है इस बार की कम से कम ये अपने स्कूल को एक बार इस बार टॉप करेंगे, और देखते हैं किस कितना अपने उम्मीद पे खरा उतरने वाले हैं ये, और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे. कैसी चल रही है इनकी तैयारी, इनकी तैयारी के बारे में जानते हैं, और साथ में इनका क्या विचार है सीबीएसई के बारे में, सीबीएसई एग्जाम डेट के बारे में वो भी जानते हैं. तो क्या नाम है आपका? सर अमन सिंह. हाँ अमन सिंह है, ये यहाँ के कौन से स्कूल से है आप? सेंट पीटर्स. हाँ सेंट पीटर्स प्रयागराज में एक सीबीएसई का अच्छा स्कूल है, ठीक है. हालांकि हम लोग ऐसा नहीं किसी स्कूल को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, ये मत समझिएगा आप लोग, बहुत सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं जो आप बच्चों से आप लोगों ने मिला. अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे यहाँ पे लगभग इलाहाबाद के सारे स्कूल्स के बच्चे सीबीएसई के बैठे हुए हैं. तो आप यहाँ पे हम लोग किसी एक स्कूल का वो नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन ये बच्चे हैं जो अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने स्कूल का और अपने देश का नाम रोशन करने वाले हैं. तो अमन जी तैयारी कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है, यहाँ पे सिलेबस स्टार्टिंग दिसंबर में ही कंप्लीट हो गया था, और इस समय सर वो सब करा रहे हैं, जैसे कि आपको सैंपल पेपर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सर ने अपने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, सर ऑनलाइन क्लासेस भी करा रहे हैं, सर सब कुछ मतलब कर रहे हैं हमारे लिए. तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अटेंड करते हैं डेली? यस सर. बिल्कुल इनकी एक बात है थोड़ा मुझे ज्यादा पसंद है, इन्होंने कहा कि सर लोगों ने अपने हैंड नोट्स अच्छे इतने अच्छे क्वालिटी के दिए हैं जिससे कि आप लोगों को किसी भी आपको अलग से कोई बाहर से कुछ किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सैंपल पेपर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो ये बहुत अच्छी बात है इनकी, बाकी रिजल्ट बताएगा कि ये बातें कहां तक सार्थक हो पाई थी. तो मित्रों इस प्रकार हम लोगों ने कोशिश किया जानने का, यूपी
ओके, तो हम लोगों ने जानने की कोशिश करा। अच्छा एक बच्चा तो नाइन्थ का है, टेंथ, अरे हाँ, आइए आप लोगों को एक और अपने धुरंधर होनहार छात्र से मिलाते हैं और क्या सोच रहे हैं ये सीबीएसई को एग्जाम लेकर, इनके विचार को जानते हैं। क्या नाम है आपका? सागर पाल। हाँ सागर पाल जी, ये भी प्रयागराज से हैं, और क्या आपका विचार है एग्जाम डेट के बारे में? एग्जाम डेट तो अप्रॉक्स में सही ही निकली है, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे पहले ही निकल गई, माना कि बुरा लग रहा है। अच्छा इनका मानना भाई बुरा लग रहा है। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तैयारी तो ठीक चल रही है, बस कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे ज़्यादा मेहनत चाहिए हमें। तो जो सब्जेक्ट्स आपको लगता है ज़्यादा मेहनत, जो उसमें आप कितना मेहनत कर पा रहे हैं? अभी तो कर रहे हैं जितनी हो पा रही है हमसे। चलिए तो आपको कुछ रंग बिरंगा माहौल दिखा होगा यहाँ का, अपने परिवार का। और एक बात बता दूं मैं आपको, अगर हम लोग देखा जाए तो ज़्यादातर जो बच्चे हमारे हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के बहुत एक्साइटेड है और बहुत सेटिस्फाइड है, अपनी तैयारी को लेकर के बहुत खुश है कि हमारा सिलेबस टाइम से कवर हो गया है। और साथ में जो हमारा एग्जाम है, जो हमारा एग्जाम आने वाला है, इन लोग कहना है कि सर हम लोग अपने एग्जाम से पहले इतने प्री बोर्ड से तैयारी कर लेंगे, इतनी बार प्री बोर्ड दे लेंगे ताकि हम लोगों को बोर्ड में भी प्री बोर्ड जैसी फीलिंग आए। तो उस लेवल की भी तैयारी चल रही है, बाकी देखते हैं क्या होता है इनके एग्जाम के बारे में। आइए अब आप लोगों को मिलाते हैं आप लोगों के अभिषेक सर से, जो आप लोगों को बढ़िया से आजकल साइंस की गुत्थी सुलझा रहे हैं। और आप लोगों को साइंस में कल इन्होंने एक बढ़िया न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट भी दिया था इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सर जानते हैं अभिषेक सर से कि इनका क्या कहना है सीबीएसई के एग्जाम के बारे में और अपने बच्चों के बारे में, साथ में अपने परिवार के बारे में, ये बताएंगे आपको अभिषेक सर। आइए सर। थैंक यू सो मच सर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को हम लोग अभी क्या कर रहे हैं यहाँ कोचिंग में, अभी हमारा थर्ड रिवीजन चल रहा है फिजिक्स का, और बच्चे वैसे ही मैथ में भी चल रहा है और बच्चों का सारे सब्जेक्ट का। हम लोग ऑफलाइन भी क्लासेज लेते हैं यहाँ और ऑनलाइन भी क्लासेज लेते हैं, बच्चों को रिटन नोट्स भी देते हैं सारे। यहाँ के बच्चे कम्फर्टेबल हैं, बाकी का तो नहीं पता, लेकिन यहाँ के बच्चे अभी बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इनमें वो पोटेंशियल है क्योंकि इनके रिविजन्स भी अच्छे से चल रहे हैं। हम लोग ये टारगेट कोचिंग से लेके चल रहे हैं कि एग्जाम के पहले पहले तक कम से कम मिनिमम 5 times हमारा रिविजन हो जाए हर सब्जेक्ट का। और बाकी इलाहाबाद का तो वही फेमस है कि इलाहाबाद की धरती मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करती। थैंक यू सो मच सर। तो धन्यवाद सर। सर का मोटिवेशन भी है और सर कहते हैं कि अगर अभी तक भी आप लोगों ने नहीं पढ़ाई करी है, मान लीजिए किसी कारण बस अभी तक आप तैयारी थोड़ी कमजोर भी रह गई है, अब से भी अगर आप हिम्मत बना रहे हैं, अब से भी आप मेहनत करना अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप निराश नहीं होंगे और 100% श्योर है कि जो उम्मीद आप कर रहे हैं उससे बहुत बेहतर होगा। आइए आप लोग मिलाते हैं राहुल सर से, जो आप लोगों को इंग्लिश के बारे में बताएंगे, इंग्लिश तैयारी कैसे चल रही है बच्चों की यहाँ पे कोचिंग में, क्या कैसे सिलेबस कंप्लीट हुआ, क्या ऑनलाइन कब ये क्या कराने वाले हैं, इसके बारे में राहुल सर बताएंगे। राहुल सर आइए। थैंक यू सो मच सर। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूनिक टॉपर्स पे। बस बच्चों के साथ हम लोग भी अपना मेहनत जारी किया, बच्चों ने भी बहुत खूब खुशी पूर्वक अपना सिलेबस कवर कर चुका है और हम लोग इनके साथ खूब बढ़िया से, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस समय जो टाइमिंग चल रही है इन लोगों की प्रैक्टिस की, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है इन लोगों को, जो लोग हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में बच्चों के साथ जुड़ के साथ मेहनत कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि बच्चे हमसे हमेशा सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फाइड तो बच्चे हमसे तब होंगे जब उनका अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा रिजल्ट आएगा। ये तो मान लीजिए अभी हमारा डेट जो आया हुआ है इसी अकॉर्डिंग हम लोग अपनी मेहनत को जारी किए हैं। बाकी बच्चे तो अभी हम इनको खुशी तभी दे पाएंगे जब इनका रिजल्ट इनके घर पर इनके पेरेंट्स के साथ आएगा और ये लोग आकर हमारी कोचिंग हमारे साथ मिलेंगे। बहुत उम्मीद के साथ हमसे ये जुड़े हैं और हम भी इनके साथ उम्मीद, इन पे यही कोशिश करते हैं इनके साथ खड़ा उतरे और ये लोग अपनी मेहनत में जारी रखें और हम लोग भी इनके साथ पूरा फुल सपोर्ट किए जा रहे हैं। तो आप लोग भी जिनके साथ भी जुड़े हैं आप भी इनके साथ पूरा फुल सपोर्ट करिए। बस यही, थैंक यू सो मच, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मित्रों आप लोगों को आपके अभिषेक सर से मिला था, जो आपके कंप्यूटर लेकिन खुद ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरा उन्हीं के हाथ में है, तो उनका रिव्यू आप लोगों को क्लासेस में मिल जाएगा जब वो क्लासेस आप लोगों को कराएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग एक ओवरव्यू इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सच में क्या चल रहा है बच्चों के दिमाग में अपने एग्जाम को लेकर के, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों को अब तैयारी में अपना कमर कस लेना है, अब हम लोगों को रात दिन करके मेहनत शुरू कर देना है क्योंकि अब हम लोगों के युद्ध का अंतिम अभ्यास चल रहा है। तो अब हम लोग किसी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़नी जिससे प्रकार से फिर बाद में पछतावा हुआ हमें कि नहीं हम लोगों ने अगर काश में अगर थोड़ा और मेहनत कर लिया होता। आप भी बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर आप तैयारी अगर आपकी हुई है, अगर आप पढ़ रहे तो अच्छी बात, अगर आप नहीं भी अब तक किसी कारणवश पढ़ पाए तो भी आपको बिल्कुल परेशान मत, अब से भी आप लग जाइए, मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको बिल्कुल 100% एश्योर करना चाहता हूँ, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है।
आपके पास पूरा जनवरी बचा हुआ और पूरा फरवरी, लगभग पूरा फरवरी भी बचा हुआ है, तो 50-60 दिन आप लोगों के पास सीधे सीधे बचे हुए हैं। अगर आप ईमानदारी से अभी भी मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको स्टडी डिप्लोमेटिक वे में करनी पड़ेगी। अब आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना, ना कि हार्ड वर्क, हार्ड वर्क वाला जमाना गया, क्योंकि CBSE अच्छे से जानती है किन बच्चों को हमें अच्छे मार्क्स देने हैं। वो कोशिश करती है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट जानना चाहती, ना कि वो देखना चाहती वो कितने लाइन में आंसर लिखा है। तो बाकी कुछ छोटी मोटी बातें हम लोग जो बताएंगे आप लोगों को CBSE एग्जाम से रिलेटेड, क्या अपडेट्स है, कैसे कॉपी चेक इनकी होनी है, क्या इन लोगों को कैसे एग्जाम में लिखना है, कौन कौन सी छोटी मोटी गलतियां जैसे कि बच्चे करते हैं जो इन्हें नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग करेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब लोगों को धन्यवाद। और हाँ, आप भी अपने अपना रिव्यू हमको दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत सारे हमारे बच्चे भी छूट गए हैं जिनका हम रिव्यू नहीं ले पाए हैं आज। हाँ, तो वो लोग बच्चे भी लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देंगे, ठीक है, कि क्या उनका कहना है, क्या उनका विचार है आपके एग्जाम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।